हमने एक मीटिंग रखी है और इनको आदेश दिया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे शहर को पूरा अच्छी तरह से क्लीन किया जाए। और जिस अधिकारी के पास चार्ज है, चाहे वो SDM साहब हो, इन सब की अधिकारियों की EO साहब हो, इन्होंने भ्रष्टाचार इतना मचा रखा है, इनकी जांच होनी चाहिए। सोहना कस्बे में पसरी गंदगी व त्योहारी सीजन के दौरान बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट के साथ साथ बरसाती पानी की निकासी न होने पर परेशान कस्बे वासियों की परेशानी को देखते हुए सोहना विधायक कंवर संजय सिंह की पत्नी वंदना सिंह ने बुधवार को अपने कार्यालय पर सोहना नगर परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिस बैठक में सोहना के मौजूद लोग व नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। आयोजित की गई बैठक में वंदना सिंह ने नगर परिषद के अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने, स्ट्रीट लाइट ठीक करने व पब्लिक शौचालयों की सफाई करने के निर्देश दिए। शहर में स्ट्रीट लाइट को लेके और कचरे को लेके जो डंपिंग स्टेशन है, जो कचरा पड़ा रहता है, और जो हमारे शहर में जलभराव की भी कुछ समस्याएं हैं कई जगह, तो इन सब को लेके आज हमने एक मीटिंग रखी है और इनको आदेश दिया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे शहर को पूरा अच्छी तरह से क्लीन किया जाए और हमेशा उसे उसकी सफाई का ध्यान रखा जाए। टॉयलेट्स को लेके भी कुछ बातचीत हुई है कि हमारे शहर के जितने भी टॉयलेट्स हैं सब गंदे दिखाई देते हैं, जिनमें कभी सफाई नहीं होती है, तो उसको लेके भी हमारे कर्मचारी अभी अफसरों से सभी से बात हुई है कि इन टॉयलेट्स में सफाई की सुविधा दी जाए। और कुछ नए टॉयलेट्स के लिए भी हमने आज बैठ के कुछ नए टॉयलेट्स को बनाने के लिए भी एक सोचा है कि कुछ नए टॉयलेट्स भी बनाए जाएंगे, उससे पहले तब तक इन टॉयलेट्स की सफाई कराई जाए। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुरुग्राम के खंड सोहना की है, जहां पर नगर परिषद का पद विवादित होने के कारण चेयरपर्सन का पद खाली पड़ा है। फिलहाल सोहना नगर परिषद के विकास की कमान SDM साहब संभाले हुए हैं, जिनकी देखरेख में नगर परिषद के अधिकारी व कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। अगर हम बात करें सोहना की सफाई व्यवस्था की, तो पूरी तरह से चौपट पड़ी है। तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। इसके अलावा कहने को तो ये सोहना में काफी संख्या में लोगों की सुविधा के लिए स्वच्छ शौचालय बनाए गए, जो कि बाहर से देखने में तो बहुत अच्छे दिखेंगे और इनके ऊपर बहुत अच्छे स्लोगन भी लिखे गए हैं, लेकिन इनका अंदर से हाल ये है कि हम आपको उन तस्वीरों को दिखा भी नहीं सकते। परिषद एरिया में स्ट्रीट लाइट तो हजारों लगी है, लेकिन जलती सब नहीं है। पानी निकासी के नाम पर लाखों रुपए का बंदरबाड़ तो जरूर करते हैं, लेकिन बरसाती पानी की निकासी नहीं। तस्वीरें अपने आप में अधिकारियों के दावों की पोल खोल रही हैं। ऐसे में सोहना के जागरूक लोगों ने खर्च किए गए बजट की जांच कराने व भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। नगर परिषद का जितना भी कार्यभार है, या तो EO साहब देख रहे हैं या चेयरमैन साहब नहीं है यहाँ पे, तो SDM साहब देख रहे हैं। करोड़ों रुपए शहर में सफाई व्यवस्था में रोड के अंदर नाली सही करने के लिए लगाया गया, जो कि आज तक लगा नहीं है। जिस अधिकारी के पास चार्ज है, चाहे वो SDM साहब हो, इन सब की अधिकारियों की EO साहब हो, इन्होंने भ्रष्टाचार इतना मचा रखा है, इनकी जांच होनी चाहिए। आज शहर में लाइट व्यवस्था का हल देख लीजिए, सफाई व्यवस्था का हल देख लीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। इन सब की जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको अंदर होना चाहिए, जेल। बता दें कि 27 जुलाई 2022 को यानी कि करीब 3 महीने पहले सोहना के विधायक कंवर संजय सिंह को अचानक पैरालाइज अटैक आ गया था, जिनका स्वास्थ्य अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट बताया है, जिसकी वजह से विधायक सोहना का दौरा नहीं कर सके। और इस बीच अधिकारी जनता के सेवक नहीं बल्कि शासक बनकर बेलगाम हो गए, जिनकी वजह से सोहना का विकास भी चौपट हो गया। लेकिन फिलहाल इस त्योहारी सीजन में सोहना के बिगड़ते हालातों को देखते हुए सोहना विधायक की पत्नी वंदना सिंह ने सोहना की कमान संभालते हुए अपने हाल पर आंसू बहाने वाले सोहना की दुर्दशा को संभालने का जिम्मा उठाया, जिन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके सफाई, शौचालय, स्ट्रीट लाइट आदि को सुधारने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या अधिकारी विधायक की पत्नी द्वारा दिए गए निर्देशों को अमलीजामा पहनाते हैं, फिर सोहना अपनी बदहाली पर ऐसे ही आंसू बहाता रहेगा। हरियाणा वर्तमान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वर्तमान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।